नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया हूँ। स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 11th ऑफ दिसंबर, 11 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें, और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ, आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर की आप नोट्स बना सकें, इसके लिए जो है आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जो है डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ को रेगुलर डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाए और रिविजन करिए। और जैसा ये करंट अफेयर का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इससे कोशिश करें रेगुलर सेशन को फॉलो करें। डेली मॉर्निंग में 7 बजे आपकी क्लास चलती है, तो सेशन को फॉलो करिए, साथ ही साथ सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करिए। और क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास, और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये पहला जो है भारतीय कला और वास्तुकला डिजाइन द्विवार्षिक कला महोत्सव का दोस्तों हाल ही में आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो दोस्तों, कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है, ऑप्शंस आपके सामने है, वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नई दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जैसा कि नई दिल्ली का दोस्तों जो लाल किला है, लाल किला में दोस्तों पहला जो है भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक कला का महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और इस महोत्सव का उद्घाटन जो किया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसके साथ ही उन्होंने इस जो है महोत्सव के उद्घाटन के साथ साथ उन्होंने जो है 7 शोध प्रकाशनों का भी अनावरण किया, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत सेंटर ऑफ डिजाइन का भी उद्घाटन किया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत सेंटर ऑफ डिजाइन कहाँ पे जो है उद्घाटन किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को संबोधित किया, और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि कला, वास्तुकला और संस्कृति तभी समृद्ध होती है जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, बहस और चर्चा की परंपरा में से जो है विविधता निखरती है, ठीक है। तो एक तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से उन्होंने कला, वास्तुकला और संस्कृति की समृद्धि की बात उन्होंने कहा। साथ ही साथ ये जो आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन है, ये अद्वितीय संकेतों को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या करेगा दोस्तों, एक मंच प्रदान करेगा। इस महोत्सव की बात करें जो कि द्विवार्षिक कला महोत्सव है, इसका जो आयोजन है दोस्तों वो देश में एक प्रमुख वैश्विक सांस्कृतिक पहल विकसित करने के प्रधानमंत्री जी के जो है दृष्टिकोण के अनुरूप जो है किया जा रहा है। इससे जो कलाकार हैं दोस्तों, जो वास्तुकार हैं, जो डिजाइनर हैं, जो फोटोग्राफर हैं, जो संग्राहक हैं, जो कला पेशेवर हैं, और जो जनता के बीच जो है समग्र बातचीत करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि जो पहला भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन जो है द्विवार्षिक कला, इस महोत्सव का जो आयोजन किया गया दोस्तों, ये दिल्ली के लाल किले में किया गया। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए मुझे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही सुचित्वा थीरम परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो सुचित्वा थीरम परियोजना दोस्तों किस राज्य से संबंधित है जो हाल फिलहाल में चर्चा में थी। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों केरल, ठीक है। तो केरल में दोस्तों ये परियोजना है, केरल की ये परियोजना है, ठीक है, सुचित्वा थीरम परियोजना जो हाल फिलहाल में चर्चा में थी। और केरल का दोस्तों जिला है जिसका नाम है कोझिकोड जिला। तो कोझिकोड जिला प्रशासन जो है दोस्तों, उसने जो है जो कि सुचित्वा थीरम परियोजना की शुरुआत किया है, और इस परियोजना के माध्यम से जो उस क्षेत्र का, जो इस जिले का कोझिकोड जिला जो है, वहां के जो तटीय क्षेत्र है, उन तटीय क्षेत्र को स्वच्छ करने के लिए या फिर स्वच्छता बनाए के जो है रखने की दिशा में, ठीक है, कार्य करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत किया। तो ध्यान रखिएगा जो कोझिकोड जिला प्रशासन है वो अपने जिले के जो तटीय क्षेत्र है, उन तटीय क्षेत्र की स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से एक परियोजना की शुरुआत किया है, जिस परियोजना का नाम है सुचित्वा थीरम परियोजना। और ध्यान रखिएगा ये जो परियोजना है दोस्तों वो एक कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो ये जो प्रयास है दोस्तों, वहां पे जो स्थानीय प्रशासन विभाग है उसके देखरेख में एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जाता है, ठीक है, पूरे जो राज्य को, ठीक है, मलिन मलिन मुक्त नव केरलम कार्यक्रम है
यानी कि पूरे राज्य को, यानी कि पूरे केरल को मलिन युक्त जो है करना, मलिन मुक्त करना, ठीक है, पूरे जो है साफ करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है दोस्तों, मलिन मुक्त नव केरलम, जो कि वहां के स्थानीय प्रशासन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, उसी जो है कार्यक्रम का ये हिस्सा है दोस्तों, शुचित्व थिरम परियोजना। ये जो परियोजना है दोस्तों, इस परियोजना के अंतर्गत 9 दिसंबर को जो कोचिकोड जिला है वहां के 12 तटीय स्थानीय निकायों को बड़े पैमाने पर जो है वहां पे स्थानीय सफाई जो है अभियान चलाया गया। जो मुख्य सफाई गतिविधियां दोस्तों वो विशिष्ट तटीय स्थानों पर केंद्रित होंगी, जिसमें से देखा था कटलुंडी ग्राम पंचायत में, ठीक है, वाकादावु समृद्ध तट, ठीक है, समुद्र तट है, चिमनचेड़ी में कप्पड़ है, चेंगुट गांव में, ठीक है, कवलद है, कोयलेंदी हार्बर है, मुडाडी में मुथायम समुद्र तट है, थियोकोडी में कलाकम ड्राइव इन समुद्र तट है, वडगारा में जो है रेत तट, ये शामिल किया गया। तो ये राज्य के जो महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्र है, उन जिले के जो तटीय महत्वपूर्ण क्षेत्र है उनको सफाई, ये जो है सफाई गतिविधियों के अंतर्गत शामिल किया गया। चूंकि बात करें दोस्तों केरल, जिसे कहा जाता है, ठीक है, ईश्वर का अपना घर, ठीक है, गॉड्स ओन होम जो है इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इंडिया का नाम, बिल्कुल जब आप बिल्कुल इंडिया का मैप है ये दोस्तों, भारत का मैप है, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा दोस्तों केरल, बिल्कुल सुदूर दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा केरल, जिसके देखा जाए दोस्तों दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करता है दोस्तों केरल। दो राज्य कौन से दोस्तों, कर्नाटक और यहाँ पे तमिलनाडु, और पुडुचेरी का जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा माहे क्षेत्र है दोस्तों, वो अपनी सीमा को साझा करता है केरल से, और इसकी एक अपनी सामुद्रिक सीमा है जो कि अरब सागर से लगती है। केरल जिसकी राजधानी दोस्तों ध्यान रखिएगा तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो पिनराई विजयन है। राज्यपाल की बात करें तो आरफ मोहम्मद खान जो है वह यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ पे महत्वपूर्ण दो झीलें हैं जो आपकी एग्जाम में कई बार पूछी गई, एक वेबनाड है, दूसरा जो है अष्टमुडी है, और यहाँ का लोक नृत्य जो अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कथकली। देखिए कथकली जो है लोक नृत्य ध्यान रखिएगा ये केरल का, और एक कथक जो है दोस्तों वो ध्यान रखिएगा वो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन से राज्य सरकार एक फुटवियर विनिर्माण पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है। तो एक फुटवियर विनिर्माण जो है, माफ करिएगा, तो यहाँ पे विनिर्माण पार्क स्थापित करने की जो योजना बना रहा है दोस्तों वो बना रहे तमिलनाडु सरकार, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोस्तों करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। तो यहाँ पे तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है, 250 एकड़ भूमि पर 400 करोड़ रुपए की लागत से एक फुटवियर विनिर्माण पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है, और इस फुटवियर जब ये पार्क स्थापित होगा दोस्तों विनिर्माण पार्क, इससे बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन होगा। ये जो पार्क है दोस्तों, ये जो औद्योगिक परियोजना है, ये रानीपेट जिले में लगभग 20,000 नई नौकरियां पैदा करेगा। जो तमिलनाडु के दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उन्होंने जो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण में पेरम्बलुर जिले के एराउर में JR1 फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 400 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित फुटवियर विनिर्माण सुविधा का वस्तुतः उद्घाटन करने के बाद ये जो है घोषणा की है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है फुटवियर विनिर्माण पार्क स्थापित करने की जो योजना बना रहे वो तमिलनाडु सरकार बना रही, और इसी के साथ साथ अन्य बात करते हैं दोस्तों। चूंकि सरकारों की बात करें तो यहाँ पे दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू किया है दोस्तों, दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेट और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना। ध्यान रखिएगा दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटेड योजना जो शुरू की गई है वो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, और इस योजना के साथ ही देखा जाए दिल्ली में जितने भी ऐप आधारित जो कैब सेवा है, जो डिलीवरी सेवा है दोस्तों, उनको जो है वो डिलीवरी सेवा जो प्रदान करने वाले जो एग्रीगेटर्स हैं उनको, जितने भी उनके जो वाहन हैं उनको निश्चित समय के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन में बदलना होगा। तो यानी कि जितने भी आप दिल्ली में कैब देखते हैं दोस्तों, जो ऐप आधारित है, जैसे कि ओला हो गया, उबर हो गया, जितने भी डिलीवरी बॉय हैं दोस्तों, जैसे स्विगी के हो गए, जो वेटो के हो गए, जो डिलीवरी सेवा प्रदान करते हैं, उनके जो वो व्हीकल्स यूज करते हैं दोस्तों, उनको एक निश्चित समय तक, ये जो समय सीमा दी गई है वो 2030 तक दिया गया है, तो 2030 तक उनको इलेक्ट्रिक वाहन जो है इस्तेमाल करना होगा। कि इस योजना के अंतर्गत ये जो दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटेड और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना जो शुरू की गई है, दिल्ली के अंदर जितने भी काम करने वाले जो ऑपरेटर्स हैं दोस्तों, उनको जो है अधिसूचना जारी होने के 90 दिन के अंदर लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है, ठीक है, और लाइसेंस प्राप्त करने वाले जो ऑपरेटर्स हैं उनको चरणबद्ध तरीके से अपने जो वाहन होंगे, जो बड़े वाहन होंगे, जो वाहन बेड़े हैं, उनको 2030 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस समय सीमा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको जो अपनी जो वाहन है, जो उनके व्हीकल्स होगी, उनको 100% जो है इलेक्ट्रिक वाहन में बदलना है, ठीक है।
ये जो नीति है दोस्तों, ये जो ये दिल्ली में यात्री परिवहन सेवा जो है प्रदान करने वाले सभी एग्रीगेटर्स पर जो है लागू होंगे। इससे क्या होगा, इसमें ई कॉमर्स वाहन सहित डिलीवरी सेवा में लगे लोग भी शामिल होंगे। योजना के अंतर्गत जो है वो सेवा प्रदाताओं को वायु प्रदूषण को कम करने, ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपने बेड़े को इलेक्ट्रिक जो है में चरणबद्ध रूपांतरित करना होगा। तो एक तरीके से उद्देश्य क्या है, तो जैसा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है, तो वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना, ग्रीन मोबिलिटी को, ठीक है, यानी कि एक तरीके से हरित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है ये योजना शुरू की गई दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना जो शुरू की गई वो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इस योजना के तहत जो है 2030 तक जितने भी कैब जो है और जो डिलीवरी सेवा प्रदाता है उनको अपने वाहनों को 100% जो है इलेक्ट्रिक वाहन में बदलना होगा। ये है इस योजना का बेसिकली उद्देश्य, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस देश में विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है दोस्तों, वो किया जा रहा है यूएई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में जो है विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। और इस सम्मेलन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये जो संयुक्त अरब अमीरात के ये मोहम्मद अल रस्मी हैं, इनको जो है विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये जो विश्व रेडियो संचार सम्मेलन का जो आयोजन 20 नवंबर से शुरू हुआ है और ये 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे दोस्तों, तो संयुक्त अरब अमीरात का जो शहर है दुबई में आयोजित किया जा रहा है। इसका जो आयोजन दोस्तों किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो है रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम, भू स्थिर उपग्रह, गैर जियो स्थिर उपग्रह कक्षाओं के वैश्विक उपयोग को संशोधित करने के उद्देश्य से हर जो है 4 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, विश्व रेडियो संचार सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें जो पिछले वर्ष यानी कि 4 साल पे किया जाता है, तो जो पिछला हुआ होगा विश्व रेडियो संचार सम्मेलन वो 2019 में हुआ होगा। और 2019 का जो सम्मेलन हुआ था शर्म अल शेख जो कि मिस्र में एक शहर है, वहां पे इसका आयोजन किया गया था। जो पहला विश्व रेडियो संचार सम्मेलन का आयोजन हुआ था दोस्तों, वो 1995 में हुआ था, 23 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर के बीच में हुआ था। कहां पे हुआ था दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे विश्व रेडियो संचार सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात के जो मोहम्मद अल सम्मी है, ठीक है, रमसी, ध्यान माफ करिएगा गलत मैंने प्रोनाउंस किया, तो रमसी जो है उनको नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे जो है सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है ये संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा आइडिया एंड इनोवेशन प्रतियोगिता और सेमिनार इन योद्धा 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो आइडिया एंड इनोवेशन प्रतियोगिता और सेमिनार इन योद्धा 2023 का आयोजन भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने हैं, वीडियो को शेयर करते रहिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नई दिल्ली। तो भारतीय सेना के द्वारा दोस्तों नई दिल्ली में आइडिया एंड इनोवेशन प्रतियोगिता एंड इनोवेशन प्रतियोगिता और सेमिनार इन योद्धा 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का जो उद्देश्य है दोस्तों वो क्या करना है, आधुनिकीकरण को अपनाना, नाम से ही पता चल रहा है, नए नए आइडियाज देना, इनोवेशन देना भारतीय सेना को, ठीक है। इसके लिए एक प्रतियोगिता कराई जाएगी और साथ ही साथ स्वदेशीकरण यानी कि जितने भी वहां पे जो एक तरीके से जो हथियारों का इस्तेमाल जो हो रहा है किसी भी तरह उनका स्वदेशीकरण यानी कि उनका जो निर्माण वो देश में ही हो, उसके माध्यम से तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने में भारतीय सेना द्वारा जो दिए गए महत्व है उनको दर्शाना है। ये जो दोस्तों एक तरीके से यहाँ पे जो थल सेना के जो अध्यक्ष है दोस्तों मनोज पांडे, उन्होंने भारतीय सेना में थिंकर्स वॉरियर को राष्ट्र और भारतीय सेना हेतु व्यवहारिक और नवीन समाधानों की संकल्पना जारी करने हेतु प्रोत्साहित किया है। भारतीय सेना के जवानों द्वारा किए गए नवाचार क्षेत्रीय संरचनाओं की परिचालन आवश्यकताओं के लिए घरेलू समाधान खोजने में सभी रैंकों के जुनून और पेशेवर क्षमता और तकनीकी ज्ञान का प्रमाण है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, आइडिया एंड इनोवेशन प्रतियोगिता और सेमिनार इन योद्धा 2023 जो आयोजित किया गया किसके, भारतीय सेना के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में बांग्लादेश पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। तो बांग्लादेश पुस्तक मेला का आयोजन दोस्तों कहाँ शुरू किया गया, ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कोलकाता।
तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दोस्तों बांग्लादेश पुस्तक मेला का आयोजन शुरू हुआ है, और ये कौन सा संस्करण है? ये 11वां संस्करण है। तो 11वां संस्करण, ठीक है, बांग्लादेश पुस्तक मेला के 11वां संस्करण कोलकाता में शुरू हुआ है, और जो इसका उद्घाटन किया गया वो बांग्लादेश उच्चायोग के जो उप उच्चायुक्त है जिनका नाम है अंदलीब इलियास, इनके द्वारा जो है इस मेले का उद्घाटन किया गया। इस पुस्तक मेले में जो है इस उत्सव में लगभग 65 प्रकाशक भाग जो है वो भाग ले रहे हैं। इस पुस्तक मेले से प्रकाशकों को बांग्लादेशी साहित्य में रुचि रखने वालों तक पहुंचने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। कई प्रकाशकों को कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है, इसलिए इस मेले का काफी ज्यादा जो है आयोजन महत्वपूर्ण है। ये पुस्तक मेला दोस्तों 13 दिसंबर तक चलेगा, तो जो लोग कोलकाता में होंगे दोस्तों वो जा सकते हैं, इस पुस्तक मेले का आनंद ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पुस्तक मेला जो बांग्लादेश पुस्तक मेला है उसका 11वां संस्करण का आयोजन जो किया जा रहा है वो कोलकाता में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों की हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला शामिल हैं? तो यहाँ पे जो हाल जो हाँ जो अमेरिकी पत्रिका दोस्तों फोर्ब्स जो कि हाल ही में एक जो है दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची को जारी किया, जिसमें कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया है ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 4। 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं, आइए देखते हैं कौन। तो हाल ही में दोस्तों जो अमेरिकी पत्रिका है दोस्तों फोर्ब्स उसके द्वारा दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की गई है। इस सूची में जो है विश्व की 100 महिलाओं को स्थान प्रदान किया गया, और इन 100 महिलाओं में 4 भारतीय महिलाओं ने जो है स्थान हासिल किया है। ये 4 भारतीय महिलाएं कौन है दोस्तों? तो केंद्रीय जो वित्त मंत्री है दोस्तों निर्मला सीतारमन, SCL की जो CEO है रोशनी नादर मल्होत्रा, सेल के जो चेयरपर्सन है सोमा मंडल, और बायोकॉन की जो संस्थापक है किरण मजूमदार शाह जो है वो इन 4 महिलाओं में शामिल है जो कि विश्व की ताकतवर महिलाओं की सूची में, ठीक है। तो 100 जो है महिलाओं में 4 महिलाएं शामिल है, ये 4 महिलाएं कौन है? ये है इनमें भी जो शीर्ष स्थान हासिल किया है सूची में, ठीक है, भारतीय महिलाओं में, तो वो है जो फाइनेंस मिनिस्टर है दोस्तों निर्मला सीतारमन। इन्होंने शीर्ष भारतीय महिलाओं में सिर जो है भारतीय महिलाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया, और इनकी ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो विश्व में 32वें स्थान पे आती हैं। और यहाँ पर रोशनी नादार की बात करें तो 60वें स्थान पे, सोमा मंडल जो है 100वें स्थान पे, और किरण यहाँ पे 70वें स्थान पे है, और किरण मजूमदार शाह की बात करें तो 76वें स्थान पे है। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे पावरफुल महिला कौन सी, यानी कि ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान किसने हासिल किया है दोस्तों, तो फोर्ब्स की जो पावरफुल महिलाओं की सूची में जो पहला स्थान हासिल किया है दोस्तों यूरोपीय आयोग की जो प्रमुख है, यानी कि जो यूरोपियन कमीशन की जो चीफ है, ठीक है, क्या नाम है उनका, उर्सुला वान डेर लेयन, इनको जो है पहला स्थान मिला है, यानी कि सूची में ये टॉप पर है। उसके बाद दोस्तों ये जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो हेड है, क्या नाम है दोस्तों, क्रिस्टिन लेगार्ड, ये जो है दूसरे स्थान पे है, और जो कि अमेरिका की, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस वो तीसरे स्थान पे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो महिलाओं ने स्थान हासिल किया है दोस्तों अमेरिका की है, उसमें एक भारतीय मूल की भी महिला है दोस्तों कमला हैरिस, जो कि तीसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है, ठीक है। तो ये जो है सूची आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट उलावन किस देश से संबंधित है? तो माउंट उलावन दोस्तों अभी हाल ही में जिसमें विस्फोट हुआ है, और भारत ने जो है सहायता जो है प्रदान किया है उस देश को माउंट उलावन के कारण जो वहां पे विस्फोट हुआ है, और ये दोस्तों पापुआ न्यू गिनी से संबंधित है, ठीक है। तो भारत ने माउंट उलावन में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है उसके बाद देखा जाए पापुआ न्यू गिनी को $1 बिलियन की तत्काल राहत सहायता देने की घोषणा किया है। तो यहाँ पे माउंट उलावन में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है जिसके बाद से जो है पापुआ यहाँ पे काफी लोग विस्थापित हुए हैं, और भारत ने जो है सहायता राशि भी प्रदान करने की घोषणा किया है। माउंट उलावन जो दोस्तों यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी का क्षेत्र जिसे न्यू ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा आप कंफ्यूज हो जाते इसलिए मैं ये मैप शामिल की हूँ। यहाँ पे देखिए ये पापुआ न्यू गिनी का मैप है, और यहाँ पे इस क्षेत्र को जो पापुआ न्यू गिनी का एक द्वीपीय क्षेत्र है जिसको न्यू ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, और यही पर स्थित है, ठीक है। तो माउंट उलावन जो कि न्यू ब्रिटेन का सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये 2334 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, बिस्मार्क द्वीप समूह में दूसरा है, और पापुआ न्यू गिनी में ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। भारत की बात करें दोस्तों तो एक करीबी दोस्त के रूप में और पापुआ न्यू गिनी के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों में सहायता के लिए तत्काल जो है सहायता प्रदान करेगा। ये जो माउंट उलावन ज्वालामुखी है दोस्तों उसमें 20 नवंबर को जो है विस्फोट हुआ था, उसके बाद से लगभग 26,000 से अधिक लोग जो है ये अन्य जो है विस्थापित हुए थे
जिसके कारण से जो है मानवीय राहत की जो है तत्काल आवश्यकता थी। पापुआ न्यूगिनी के दोस्तों बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, प्रशांत में जो रिंग ऑफ फायर है, ठीक है, अग्नि वलय है, वहां पे ये स्थित है। और ये जो रिंग ऑफ फायर है, ये प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंपीय दोषों का एक चाप है। यहाँ पे काफी ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और साथ ही साथ ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भूकंप भी बहुत आते हैं। यहाँ दुनिया के अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां होती है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिंग ऑफ फायर किस जो है ओशन में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में, ठीक है, प्रशांत ओशन में स्थित है। तो माउंट उलावन, देखिए इस तरह के मैपिंग वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी के मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो ये माउंट उलावन अभी हाल फिलहाल में एक और ज्वालामुखी चर्चा में था, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि कौन सा ज्वालामुखी था अभी हाल फिलहाल में मैंने आप लोगों से चर्चा किया था, किस देश से संबंधित था जिसमें विस्फोट हुआ था। तो आप मुझे, चलिए मैं देश बता देती हूँ, इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का वो द्वीप, ठीक है, कौन से द्वीप पर स्थित है वो माउंट, ठीक है, वो ज्वालामुखी जिसमें हाल फिलहाल में विस्फोट हुआ था, चर्चा में था, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। चलिए आज के हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किसे प्रतिष्ठित 35वें जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 35वें जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर है मुरली श्री शंकर को किया गया है, ठीक है। तो केरल के ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए लॉन्ग जंपर जो है जिनका नाम है मुरली श्री शंकर, उनको 35वें जिम्मी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। और लंबी कूद में इन्होंने, अगर इनकी उपलब्धियों की बात करें, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुरली श्री शंकर, इन्होंने राष्ट्र खेलो एशियाई खेलों में, ठीक है, सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता था। इन्होंने चीन में जो एशियाई खेल हुए थे और थाईलैंड में जो एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता था। और इससे पहले इन्होंने ब्रिटेन में जो 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें भी इन्होंने रजत पदक जीता था। पुरस्कार स्वरूप इनको 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया गया और एक पट्टिका शामिल है। ये जो पुरस्कार है दोस्तों, जिसका नाम ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है दोस्तों एक पूर्व भारतीय जो है वॉलीबॉल दिग्गज थे जिनका नाम था जिमी जॉर्ज, उनके नाम पर रखा गया है। और जिमी जॉर्ज जो है अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के वॉलीबॉल खिलाड़ी थे और उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया। और 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार जो प्रदान किया गया, ये केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, ठीक है, मुरली श्रीशंकर, उनको प्रदान किया गया है। चलिए आज के हम लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है कि हाल ही में कॉन्डोर नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई। तो कॉन्डोर नामक जो है क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जिसको किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शंस आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हाल ही में एक दिग्गज जो है टेक्नोलॉजी कंपनी आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसके द्वारा कॉन्डोर नाम का एक जो है क्वांटम कंप्यूटिंग चिप को लॉन्च किया गया। इस चिप में दोस्तों 1121 जो है सुपर कंडक्टिंग क्यूबिक है, जो पहले 1000 क्यूबिक जो है क्यूबिट हुआ करते थे। क्यूबिट दोस्तों क्या होता है, तो ये क्वांटम बिट का संक्षिप्त रूप है, ठीक है, और यह क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम जानकारी की बेसिक यूनिट है। मुख्य तौर पर बिट्स अगर देखा जाए दोस्तों तो एक समय में 0 या 1 के रूप में जो है होते हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, लेकिन अगर क्यूबिट्स की बात करें दोस्तों तो एक समय में 0 और 1 दोनों को ही अवस्था में वो रह सकते हैं, 0 1 दोनों में। क्वांटम कंप्यूटिंग का जो उपयोग होता है दोस्तों वो जीपीएस में लिए होता है, ठीक है, सेंसर के लिए होता है, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, पर्यावरण पर निगरानी रखने के लिए, इन सब महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो है क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा आईबीएम के द्वारा जो है कंडोर नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि हाल ही में सांस्कृतिक पर्यटन द्वारा 6ठा अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ है, किस शहर में हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ठीक है। भारत के अग्रण ई स्पोर्ट्स संगठन SATUL ने ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है किसने, तो ई स्पोर्ट्स कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर ने। भारत के पहले एक्सरे पोलोरीमीटर सैटेलाइट का नाम है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। तो देखिए इसरो के द्वारा भारत के पहले एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है, एक्सपो सेट नाम है, ठीक है। भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया, किसे किया गया, नारायण शेषाद्री को किया गया। आश्रय सेठ ने भारत के सबसे किफायती सैनिटरी पैड जो है वेंडिंग मशीन का आविष्कार किया है, वो उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है, लखनऊ। तो आपसे ये ध्यान रखिएगा लखनऊ के जो है आश्रय सेठ, और इन्होंने भारत के सबसे किफायती सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन का आविष्कार किया है।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। डेली करंट अफेयर से हमसे जुड़े रहिए, मॉर्निंग में 7 बजे डेली जो है करंट अफेयर की क्लास चलती है। हमसे जुड़े रहिए, जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट, तो फिर दोस्तों मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे।